तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दिल्ली से कोलकाता। ये बैग है, ये बैग हो गया तैयार और हम निकल रहे हैं अपने सफर के लिए। तो चलिए मिलते हैं ट्रेन में। ट्रेन में तो नहीं, खैर मेट्रो में जाएंगे हम, तो मेट्रो में मिलेंगे आपको। और ये हमारा खाना है, तो खाने के साथ ही जा रहे हैं क्योंकि रात की ट्रैवल है तो लंबा पड़ेगा थोड़ा, तो इसके लिए थोड़ा खाना अपना पैकिंग करना जरूरी था, तो हमने वो भी कर लिया अपने साथ, खाना भी और मास्क और बाकी सारे अपने सामान सबके साथ हम तैयार हैं। तो मिलेंगे अभी थोड़ी रास्ते में, बाहर मिलते हैं। बैग वुग लेके निकलना पड़ेगा क्योंकि रास्ते सीढ़ियों में बहुत दिक्कत होगी, नहीं तो ये बैग इतना भारी है भाई। एक तो बैग भारी, ऊपर से इतना सीढ़ियाँ। पैदल पैदल चलेंगे मेट्रो तक, क्योंकि मेट्रो यहाँ से पास है, 5 मिनट वर्किंग डिस्टेंस है, तो मेट्रो से हम पैदल जा सकते हैं, मतलब मेट्रो तक पैदल जा सकते हैं। तो अभी नहीं उठा पाए सामान भाई, बहुत भारी है बैग, ये बैग बहुत ही भारी है हमारा। तो हमने ऑटो ले लिया, यहाँ से 5 मिनट की वर्किंग डिस्टेंस था बट ऑटो लेना पड़ा। देख लो सिकंदरपुर मेट्रो, मेट्रो बहुत ही पास है बट क्या करें, करना पड़ता है, पैदल जाने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है, तो काफ़ी मुश्किल था। तो हम एलिवेटर में फाइनली चढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और वर्किंग डिस्टेंस है तो पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट घर से यहाँ तक आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये चेक इन था, चेक इन कर चुके हैं, अब जा रहे हैं मेट्रो पकड़ने के लिए न्यू दिल्ली के लिए, मतलब हाँ हमारा ट्रेन न्यू दिल्ली से, हम ट्रेन से जा रहे हैं आज तो न्यू दिल्ली के लिए जा रहे हैं अभी। और ये मेट्रो के लिए इंतज़ार करी जा रही है, मेट्रो अभी आई नहीं है, पता नहीं कितने देर में आने वाला है भाई, टाइमिंग भी नहीं दे रखा अभी तो वेट करते हैं, देखते कितने देर में आता है। तो मेट्रो फाइनली आ गया है। देर से मेरे पीछे खड़ी ट्रेन है, लेट हो गए थे हम लोग, काफ़ी लेट हो गए थे, बताएंगे आपको अभी क्या होता नहीं होता वो देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो अभी देखते अंदर चलेंगे और हमारा आएगा इधर, इनसे ही डर था और यही आ गया। अभी रात का खाना भी हमने ले लिया ट्रेन में, ये मैंने दिन में बनाया था, जैसे बताया था घर पे बना के लाया था, रोटी चिकन और एक कोक है, बस दो ही लोग हैं, ये है हमारा दोस्त। अरे डरा रहा है क्या साले, डरा रहा है साले, तो ऐसे है भाई, खाना खा रहे हैं आप, अभी टाइम हो रहा है 8, जल्दी खा रहे हैं क्योंकि सोना है और लोगों को भी सोने देना है, तो हम अपने टाइम से नहीं खा सकते लेट नाइट। अब पता नहीं कब मिलेंगे, किस टाइम पे मेरा कैमरा निकलेगा, किस टाइम पे मैं व्लॉगिंग करूँगा वही अब बताऊँगा कुछ। तो खाना खाने के बाद कुछ करते नहीं, सब अपने अपने बिस्तर में चले जाते हैं ट्रेन में, तो वैसे भी मेरा गुड नाइट हो गया। और फिर हम सुबह उठे, फिर चाय मिला वही घटिया क्वालिटी वाला जो कि ट्रेनों में मिलती है यार, बहुत ही ख़राब क्वालिटी होता है, अब उसी को इन्जॉय कर रहे हैं, करते हैं। नाश्ते में चाय समोसा, क्योंकि ट्रेन में इससे ज़्यादा भरोसा किसी चीज़ पे कर नहीं सकते हम, चाय समोसे के अलावा। ये ट्रेन में ये वाली चाय मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो मुझे मिल चुका है कुल्लड़ वाली, और सच में बहुत टेस्टी है, पहली बार मिला मुझे ट्रेन में ऐसी अमृत वाली चाय, मतलब ओरिजिनल वाली चाय, सच में मज़ा आया। ये एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि मैं कल से चाय पीता जा रहा हूँ बट वो वैसे ही था जो घटिया क्वालिटी वाला होता है इंडियन रेलवे वाला। अब बोलो क्या क्या डाले, क्या क्या चाहिए, चना है, मिक्सर है, और डालते रहो फिर, और प्याज है डालो, काला नमक है, अचार डाल रहे हैं, मिर्ची डाल रहे हैं, प्याज डाल देते हैं, कितने का है दाल मुड़ी, 20 रुपये का, कितना बड़ा किस्मत, इतनी ख़राब कभी नहीं है,
ट्रेन ऑलरेडी 2 घंटा लेट है। हम दिन में 2 बजे पहुंचने वाले थे, बट अभी पता नहीं कितना टाइम तक लेट है, 2 घंटा बोल रहे हैं, तो मतलब 4 बजे का मेरे को घर पहुंचते। अब देखते हैं क्या होता है। अभी बज रहे हैं दिन के 11 के आसपास, तो अभी हमें 4 घंटा और बिताना पड़ेगा ऐसे ही लेटे। वैसे मेरा सीट लोअर में था, मैंने अपर में किसी के साथ एक्सचेंज कर लिया कि मुझे थोड़ी देर सोना है। लोअर में दिन में भरा हुआ रहता है, लोग छोड़ते नहीं है सीट, क्योंकि 4 लोग बैठेगा ज़रूर। फिर उसी बीच हमको एक बार फिर से भूख लग जाता है और हम खरीद लेते हैं यहाँ पे 40 रुपये वाला चूतिया काटने के लिए केक, जो कि बाहर 20 रुपये में मिल जाती है, बट ट्रेनों में डबल हो जाता है। फिर हमें नज़ारा देखने को मिलता है, वो केक खा ले उसके बाद ये नज़ारा देखने को मिल जाता है, ऐसे पहाड़, इतनी खूबसूरत एरिया। तभी धनबाद के बाद आता है और फिर हम आ जाते हैं अपने स्टेशन पे, और यहाँ पे आ गए हम अपने स्टेशन पे उतर गए। ये मेरा दोस्त है, ये देख कैसे देख रहा है ये पागल आदमी। फिर हम उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं किधर से जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं था एलिवेटर भी बन चुका है, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद ही जा रहे हैं अपने गाँव की तरफ। तो क्या लगा और ये ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके। और एक ज़रूरी सूचना, ये मेरी लाइफ की पहली ब्लॉग थी लाइफस्टाइल रिलेटेड, तो कोई भूल त्रुटि या गलती सी हो गई तो माफ़ कर देना, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझते हो माफ़ कर देना भाई लोगों। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।